गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक इन माई क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक बेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट, इट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो उस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत सारा यूज है, लास्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो यूज है हम लोग को स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो एक इसमें मेटालिक सर्कुलर डिस्क होता है जिसको बोलते हैं गोंग, और एक होता है हैमर जो इसको क्या करेगा, हैमर करेगा। या तो इसको हम लोग मैकेनिकली हैंड से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक से करेंगे, किससे करेंगे, इलेक्ट्रिक से, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जब काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, जब हम स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो क्या होगा, ये गोंग और ये हैमर क्या करेगा, हीट करेगा और हमें साउंड जनरेट होगा। ठीक है, ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये किस तरह से काम करता है इसका हम इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल। एन इलेक्ट्रिक बेल इज ए मैकेनिकल बेल दैट फंक्शन बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इट प्रोड्यूस ए रिपीटेटिव बजिंग और क्लैंजिंग साउंड, यानी कि एक बार नहीं, बस एक नहीं कि टन से किया, ये टन 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 ट्रिन बहुत तेजी से आवाज प्रोड्यूस करता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा लुकआउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। इसमें क्या करना है आपको समझना है किस तरह से ये काम करता है। देखिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक बेल बनाने के लिए एक आयरन का कोर चाहिए। एक आयरन का क्या चाहिए, कोर। ये आपको दिख रहा है यू शेप का जो डिवाइस है, यू शेप का जो डिवाइस दिख रहा है, ये एक्चुअली आयरन का कोर है। ठीक है, हम पहले इसके रॉड लेते थे तो उसमें एक बनता था। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यू शेप लेंगे तो इसमें क्या होगा, दो पोल हमको मिल जाएगा एक ही साइड में। अगर इसमें हम रॉड रखेंगे तो एक साइड नॉर्थ होगा, एक साइड साउथ होगा, बट इसमें क्या होगा, हमको एक ही साइड में नॉर्थ और साउथ दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो यू शेप का ये आयरन कोर है, इसको बोलते हैं आयरन कोर। ये जो आपको दिख रहा है यू शेप का, ये क्या है, आयरन कोर, आयरन का कोर। इसके ऊपर हम लोग कॉपर वायर को वॉन्ड करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, कॉपर वायर, सिर्फ कॉपर वायर नहीं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्या बोलना है आपको, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, तो जब इंसुलेटेड कॉपर वायर को वॉन्ड कर देते हैं आयरन कोर पर, तो ये क्या बन जाता है, क्वाइल। ये किस फॉर्म में बन जाता है, क्वाइल के फॉर्म में, यानी कि इसको हम बोलेंगे क्वाइल है। ये क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्वाइल है। आयरन कोर और क्वाइल को हम कंबाइनली बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, आयरन कोर और क्वाइल के स्ट्रक्चर को कंबाइनली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कब काम करेगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें दो वायर है। ठीक है, तो दो वायर को हमको किस तरह से भेजना है, जो दो वायर है उसको क्या करना है, हमको बैटरी से कनेक्ट करना है ना। दो वायर को क्या करना होगा, एक बैटरी से कनेक्ट करना होगा, तभी नहीं काम करेगा। तो देखिए एक वायर जो है यहाँ से, एक वायर देखिए, एक वायर डायरेक्टली कहाँ चला गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया। ठीक है, अब जो दूसरा वायर है उसको बैटरी में जाने से पहले उसको बहुत सारे स्ट्रक्चर के साथ जाना पड़ रहा है, यानी नेगेटिव टर्मिनल। सपोज यहाँ से हम वायर को ले जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से वायर निकला, सबसे पहले की में गया, कहाँ गया, की में यूज होता है हमारे इलेक्ट्रिक बेल को ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है, की के बाद ये जा रहा है स्क्रू में, कहाँ जा रहा है, ये स्क्रू में। ये स्क्रू क्या होता है, ये स्क्रू इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन और क्लोज करता है ताकि आपको रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरप्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरप्टर, इंटरप्टर, आई एन टी ई आर
सॉरी INTERRUPTER इंटरप्टर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हम स्ट्रक्चर और फंक्शन में स्टडी करेंगे। इंटरप्टर से गया, यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया, ये जो पॉइंट है ये कॉन्टेक्ट होगा और नॉन कॉन्टेक्ट होगा, यानी छूटेगा, अपना कॉन्टेक्ट को छोड़ेगा और पकड़ेगा, ठीक है, कैसे पकड़ेगा इसको हम लोग सीखेंगे आज। इंटरप्टर से बाद ये कॉन्टेक्ट होता है, इसको बोलते हैं आर्मेचर, ये जो आपको दिख रहा है लंबा सा प्लेट, ये क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर, क्या बोलते हैं, आर्मेचर। आर्मेचर। ये आर्मेचर क्या होगा, ये आर्मेचर जो है ये अट्रैक्ट होता है बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटाइज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज कब होगा, जब इसमें हम सर्किट को ऑन करेंगे, स्विच को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, अब ये आर्मेचर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये आर्मेचर क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये जब ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये जो हैमर है यहाँ पर, ये क्या लगा हुआ है, हैमर, हैमर का मतलब एक छोटा सा डंडा है मेटालिक का, मेटालिक रॉड है, उसको क्या करना है, उसको पीटना है किस पर, गोंग पर, जैसे ही गोंग पर स्ट्राइक करेगा कैसा साउंड आवाज आएगा, टन सा साउंड आएगा, कैसा साउंड आएगा, टन, सिंगल साउंड प्रोड्यूस होगा, टन, ठीक है, बट इलेक्ट्रिक बेल एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक बेल क्या करता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो देखना है उसमें, समझना आपको क्या है कि जैसे ही ये हैमर यानी कि आर्मेचर आगे मूव करेगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ये पॉइंट ब्रेक होगा, जो वायर जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जो वायर जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, अब इसमें करंट फ्लो करेगा क्या, अगर ये पॉइंट ब्रेक हो जाएगा तो करंट यहाँ से आ रहा था ना, ये करंट क्या इसमें फ्लो करेगा, यस या नो, नो सर, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अब किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अब किसी को अट्रैक्ट कर पाएगा, नो सर, नहीं, तब क्या होगा, आर्मेचर अब राइट डायरेक्शन मूव करेगा, आर्मेचर क्या करेगा, राइट डायरेक्शन, अब राइट डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा, बिकॉज देयर इज अ स्प्रिंग, देयर इज अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है जो अभी इसको आगे जब गया था, अभी स्प्रिंग क्या कर देगा, इसको पीछे की तरफ खींच लेगा, आगे की तरफ खींचा था इलेक्ट्रोमैग्नेट और पीछे की तरफ कौन खींचता है, याद रखिएगा ये फंक्शन, लेफ्टवर्ड मूव करवा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट और राइटवर्ड मूव करवा रहा है कौन, अ स्प्रिंग, स्प्रिंग। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन भी बताया है, कि आप लोग को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, जल्दी से चैट में रिप्लाई दीजिए। अब इस फिगर से भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है, जैसे स्विच को क्या करेंगे, ऑन, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, अब यहां पर जो पॉइंट है इंटरप्टर जिसका नाम दिए थे, एक आगे गया, अब यहां से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में चला गया, कहां चला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट में यहां पर चला गया, ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये आगे मूव करेगा, जैसे ही ये आगे मूव कर दिया, अब यहां पर जो बैटरी वाला जो करंट था, जो मेरा करंट है, क्या अब करंट जा रहा है इसमें, नो सर, बैटरी से जो करंट था, ठीक है, करंट अब जा रहा है इसमें क्या, नहीं जा रहा है, नो सर, अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट कर पाएगा इसको, जो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्मेचर को अट्रैक्ट किया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्मेचर को अट्रैक्ट कर लिया था, अब इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, नो सर, तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ खींच लेगा, ये जो है पीछे की तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, जैसे ही पीछे की तरफ जाएगा फिर से यहाँ पर कॉन्टेक्ट हो जाएगा, फिर से क्या होगा, यहाँ पर कॉन्टेक्ट होगा ना, फिर से कॉन्टेक्ट होगा, अब क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज होकर के, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज होकर के फिर से अट्रैक्ट करवाएगा, फिर से अट्रैक्ट करवाएगा, फिर से जैसे ही अट्रैक्ट करेगा यहाँ से टन से साउंड प्रोड्यूस करेगा, बट यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ पर सर्किट क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो सर्किट ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से अटैक नहीं कर पाएगा, बस स्प्रिंग क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ पुल करेगा, तो इस तरह से साइकिल क्या होता है, रिपीट होता है, इस तरह से साइकिल क्या होता है, रिपीट होता है, एंड वी कैन से दैट इट इज साइकिल रिपीट अबाउट 15 टाइम्स 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड। बहुत फास्ट या स्लो है,
फास्ट है, बहुत फास्ट है। अगर हम हैंड से करेंगे, अगर हैंड से करेंगे तो मैक्सिमम 5 टाइम्स कर पाएंगे 1 सेकंड में, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक बेल कितना टाइम करता है? 50 टाइम्स इन ए सेकंड। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया लेआउट, ये इलेक्ट्रिक बेल का लेआउट समझ में आ रहा है? यस यस या नो? यस सर। वेरी गुड। चलिए तो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में आज पहले तीन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल का स्ट्रक्चर जो है मेनली फॉलोइंग कंपोनेंट्स को कैरी करता है। अभी हम आपको कैरी करके बताए थे कौन कौन सा। इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कौन कौन सा? तो सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में बताया था ना क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आयरन कोर होता है और हमारा क्वाइल होता है। तो देखिए क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए क्वाइल ऑफ वायर वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। क्वाइल ऑफ वायर एंड सॉफ्ट आयरन कोर दो चीज है ना, क्वाइल ऑफ वायर और सॉफ्ट आयरन कोर, दैट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फर्स्ट हो गया। सेकंड आर्मेचर, आर्मेचर एक मेटल का पीस है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसके एक एंड पर हैमर लगा हुआ है और दूसरा एंड पर स्प्रिंग लगा हुआ है। हैमर आगे की तरफ साउंड प्रोड्यूस करेगा, स्प्रिंग उसको पीछे की तरफ बैक करेगा जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। एंड आर्मेचर इज ए पीस ऑफ आयरन विच इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट फेसिंग इट्स पोल, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास इसको रख दिए। थर्ड हैमर, द हैमर एट वन एंड ऑफ आर्मेचर स्ट्राइक्स द गोंग टू प्रोड्यूस साउंड। आर्मेचर के एक एंड पर क्या लगा हुआ है, हैमर, जो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा गोंग पर साउंड को प्रोड्यूस करने। गोंग ए मेटालिक सर्कुलर स्ट्रक्चर, आप लोग घंटी देखे ना, घंटी साइकिल में होता है ना गोंग, आप लोग घंटी बजाओगे तो उसमें भी एक मेटालिक पीस होता है ना, सर्कुलर पीस होता है ना, देखो घंटी बजाओ ना साइकिल में, उसके अंदर भी देखना, अंदर में एक हैमर लगा रहता है, जब हम लोग साइकिल को प्रेस करते हैं तो उसके अंदर हैमर लगा होता है, टन टन साउंड प्रोड्यूस करता है, ट्रिन ट्रिन साउंड प्रोड्यूस करता है ना। ठीक है भाई, गोंग है, छोटा सा कटोरा जैसा होता है। ए मेटालिक सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन हैमर्ड बाय द हैमर। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरप्टर। इंटरप्टर क्या होता है, इंटरप्टर अगर नहीं रहेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बेल है एक ही बार साउंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हमको बार बार प्रोड्यूस करवाना है। टू मेक द बेल रिंग कंटिन्यूअसली ए डिवाइस इज नीडेड, ए डिवाइस इज नीडेड टू कीप द हैमर मूविंग बैक एंड फोर्थ। हैमर को आगे पीछे मूव करवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सर्किट को ब्रेक करना होगा। तो इंटरप्ट का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको इतना कह रहे पढ़ाई मत करो चलो खेल लें, तो बोलता है कि आ गया हमको तुम इंटरप्ट करने के लिए, मेरा पढ़ाई में इंटरप्ट कर रहा है। अगर कोई बच्चा गेम खेल रहा है तो मम्मी बोलते खाना खा लो, तो हमको इंटरप्ट मत करो, हमको डिस्टर्ब मत करो, ऐसे बोलते हैं ना। इंटरप्टर का मतलब किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को ब्रेक करना, ठीक है, उसको किसी बाधा डालना, इंटरप्ट का मतलब। दिस डिवाइस इज कॉल्ड इंटरप्टर। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सबको, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल इसका हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ऐसे वर्किंग आपको बता दिए फिर भी एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग जितना ही बताएं उतना इसको याद करके आएगा, नेक्स्ट क्लास में आपसे हम पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।